दोस्तों, दुबई उन जगहों में से एक है जो आपको सबसे ज्यादा हैरान कर सकती है। यहाँ के शेख अपनी अय्याशी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इन लोगों के पास इतना पैसा है जिससे ये महंगे महंगे होटल और ऊंची ऊंची बिल्डिंगा बनवाते हैं। दुबई दुनिया के सबसे रईस शहरों में शुमार है, जो दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए एक अलग ही पहचान रखता है। दोस्तों, लेकिन दुबई के पास शुरुआत से ही इतना पैसा नहीं था। सन 1960 से पहले दुबई में सिर्फ रेत पाया जाता था और वहाँ देखने लायक कुछ नहीं था। लेकिन 1966 में तेल की खोज होने के बाद दुबई अमीर बनता चला गया और 1990 के आसपास बिजनेस कम्युनिटी ने अपना बिजनेस दुबई में शिफ्ट कर दिया, जिससे दुबई की आमदनी दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ती चली गई। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक अमीरात है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुबई एक देश है, जबकि ऐसा नहीं है। यह संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई भी कहा जाता है, उसका सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। दोस्तों, अगर इस शहर की आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी 35 लाख है, जिनमें से 51% तो भारतीय लोग ही है, एवं और भी देशों के लोग यहाँ आकर बसे हुए हैं, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी काफी मात्रा में यहाँ पर लोग आकर बसे हुए हैं। इस शहर की मातृभाषा अरबी है, पर जैसा कि बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर आकर बसे हुए हैं, अधिकतर लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, जिसे बुर्ज खलीफा कहा जाता है, यह भी दुबई में ही स्थित है। लेकिन क्या आपको पता है, 828 मीटर ऊंची इमारत का नाम पहले बुर्ज दुबई था, लेकिन बाद में दुबई के राष्ट्रपति खलीफा बिन जावेद के सम्मान में इसका नाम बुर्ज खलीफा रख दिया गया था। यह एक ऐसा शहर है जहां पालतू जानवर के तौर पर लोग कुत्ते बिल्ली नहीं बल्कि शेर और लेपर्ड को पालना ज्यादा पसंद करते हैं। दुनिया की सबसे महंगी कारें दुबई में ही पाई जाती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां के एक पार्क में कई महंगी लावारिस कारें हैं, जिनका यूज करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस शहर की पुलिस दुनिया में सबसे महंगी पुलिस है। यहाँ की पुलिस के पास फेरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी कारें होती है। दुबई में क्राइम रेट 0% है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। कितने लोग हैं जो सिर्फ दुबई शॉपिंग करने के लिए जाते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई में है। कई सेलिब्रिटी भी यहाँ अपनी पसंद की चीजें लेने आते हैं। दोस्तों, दुबई के लोग बीच पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो यहाँ बहुत सारे बीचेस हैं, पर एक बीच ऐसा भी है जो गर्मी के दिनों में काफी ठंड प्रदान करता है, और वो भी नेचुरली। उस बीच का नाम एसी पर्ल बीच है। कारीगरों ने इसका निर्माण ऐसे किया है कि चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो, यहाँ गर्मी नहीं लगती, और इसी वजह से यह लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु है। दोस्तों, दुबई के नियम और कानून जितने सख्त है उतने ही अजीब भी है। यहाँ शादी से पहले अवैध संबंध नहीं बना सकते। अगर आप ऐसे करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको सजा मिल सकती है, और यहाँ तक कि आपको देश से निकाला भी जा सकता है। यहाँ पर लड़कियाँ पब्लिक में मिनी ड्रेस नहीं पहन सकती है, उन्हें पूरे कपड़े पहनने होते हैं। यहाँ पर बाएं हाथ से खाना खाना, हाथ मिलाना और किसी भी सामान को ले जाना अपराध माना जाता है। दुनिया भर में दुबई एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ के लोगों को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। यहाँ का मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि दुबई के फर्श से अर्श पर जाने की पटकथा यहाँ पर पाए जाने वाले तेल के कारण ही लिखी गई है। लेकिन आज के समय में यहाँ की इकोनॉमी का सिर्फ 5% ही तेल से आता है। यहाँ की अधिकतर अर्थव्यवस्था रियल इस्टेट और टूरिज्म से चलती है। तो दोस्तों, यह थी दुबई के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। आशा करता हूँ आपको यह हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। धन्यवाद।